पानीपत में गैस सिलेंडर ब्लास्ट, धू धू कर जला कीमती सामान, लोगों ने कूद कर बचाई अपनी जान। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। पानीपत में एक मकान में आग लग गई, जिसके चलते घर के अंदर रखा सामान भी खाक हो गया। यह घटना दोपहर 12 बजे की है। दमकल कर्मियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। आग गैस सिलेंडर में धमाके से हुई। वहीं दूसरी डाहर बाईपास पर नहर के पास में किसी कारणवश आग लगने पर कार जल गई। गांव गांजबड़ में एक मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से घरेलू सामान जलकर राख हो गया। इतना ही नहीं बल्कि घर पर रखा गैस सिलेंडर तक धमाके के साथ फटने से दीवार और घर की छत तक गिर गई। घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। घटना शुक्रवार दोपहर 12 बजे के करीब की है, जब घर पर कोई नहीं था। दूसरी ओर डाहर बाईपास पर नहर के साथ में किसी कारणवश आग लगने पर कार जल गई। चालक ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। गांजबड़ निवासी राजवीर ने बताया कि वो खेतीबाड़ी करता है, घरेलू सामान हुआ खाक। शुक्रवार को दोपहर के समय खेत में गया हुआ था। पत्नी पड़ोसी में गई हुई थी, तभी दोपहर 12 बजे के करीब अचानक घर में पड़ोसियों ने धुआं उठा। सेक्टर 32 के पास बनी झुग्गी झोंपड़ियों में अचानक शुक्रवार को अचानक भीषण आग लग गई। इस आगजनी के बाद एक के बाद एक गैस सिलेंडर के फटने लगे। इस दौरान बस्ती में लगभग आधा दर्जन सिलेंडर फटने से जोरदार धमाके हुए। हालांकि इन धमाकों के बीच गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। इस आगजनी में लगभग 20 से 25 झोंपड़ियां जलकर राख हो गई। बता दें कि सेक्टर 32 नूर महल चौक के पास बनी सैकड़ों झुग्गी झोंपड़ियों में आज अचानक आग लग गई और आग की लपटों से कई और झोंपड़ियां आग की चपेट में आ गई। इस आगजनी में गरीब लोगों के लाखों रुपए का नुकसान हो गया। झोंपड़ियों में रखा उनके खाने पीने का सामान, कपड़े, बिस्तर, मंजे भी जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। फिलहाल इस आगजनी के बाद झोपड़ी में रहने वालों के पास सिर छुपाने का कोई ठिकाना नहीं है और न ही खाने के लिए कुछ बचा है। इस घटना की जानकारी देते हुए सेक्टर 32 थाना के SHO राजपाल ने बताया कि अचानक आग लगी और उसके बाद सिलेंडर फट गया, जिसके कारण आग और भी ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि आगजनी के शिकार लोगों का घर बार जल गया है। नुकसान का आकलन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।